हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुनमुन स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल मुनमुन्स क्रिएटिविटी में। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले बिरयानी। तो छोले बिरयानी का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने एक कटोरी बासमती राइस लिया है, जिसे मैं पानी में धो के एक छन्नी में निकाल के रख लूँगी। और उसी कटोरी के हिसाब से यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में दो कटोरी और आधा कटोरी, मतलब ढाई कटोरी पानी इस कढ़ाई में डाल के मैं इसको पानी को गर्म कर लूँगी। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। यहाँ पर मैंने चार लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, पांच से छह काली मिर्च, एक फूल और दालचीनी के दो टुकड़े और जावित्री, दो तेजपत्ता और नमक। इन सब चीज़ों को मैं डाल के पानी में जैसे ही थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, यहाँ पर मैंने जो चावल छन्नी में निकाल के रखे थे वो चावल मैं इसमें डाल दूंगी। चावल डालने के बाद हम इसे कम से कम 80% तक चावल इसी पानी में पका लेंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद हमारे चावल पककर तैयार हैं। 80% तक मैंने चावल को पका लिया और इसको मैं छन्नी में छान लूँगी और इसका जो पेस्ट पानी है वो निकाल दूँगी। दूसरी तरफ हम चलते हैं। कुकर चढ़ाया है मैंने, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। 2 चम्मच तेल डालने के बाद मैं यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 1 आलू लिया है। आलू के मैंने 4 टुकड़े किए हैं और 2 प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है लंबे टुकड़ों में। अब मैं प्याज को तेल में अच्छे से भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसे तेल में से निकाल लूंगी प्याज को। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए प्याज, और इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम उसी तेल में जो आलू, 1 आलू लिया था मैंने जिसके 4 टुकड़े किए हैं, उसे भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूंगी। भूनने के बाद उसी कुकर में मैं 1 चम्मच के जितना और तेल डाल रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याज। अब प्याज को थोड़ा भून लेंगे हम अच्छे से, और जब तक वो धीमी आंच पे प्याज भून रहा है तब तक मैं यहाँ चावल के 3 हिस्से किए हैं। 3 हिस्सा करने के बाद जितने भी खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लूँगी और 1 हिस्सा सफ़ेद रखूँगी, 1 हिस्सा मैं ऑरेंज कलर रखूँगी और 1 हिस्सा मैं ग्रीन कलर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, सफ़ेद हिस्सा, हरा हिस्सा और नारंगी हिस्सा। तो ये 3 हिस्से हो गए हमारे पास। अब चलते हैं कुकर की तरफ। तो कुकर में प्याज हमारे थोड़े भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चना। चना जो है वो मैंने रात को पानी में भिगो के रख लिया था 1 कटोरी के जितना, और वो अब हम इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, कम से कम 1 मिनट के जितना। 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के करीब, और इसको भी हम भूनेंगे। ये सारा प्रोसेस धीमी आंच पर ही करना है, आंच जो है वो तेज़ नहीं करनी है। 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच के करीब। हम जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची डालनी है। 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से छोलों में मिक्स करेंगे और आँच जो है वो धीमा ही रखना है ना, ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। जिस ग्राइंडर में मैंने लहसुन अदरक पेस्ट किया था उसी पानी, उसी में पानी डाल के वो पानी डाला मैंने। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट बाद भूनने के बाद 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 5 चम्मच के करीब दही। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं तेल छोड़ चुका है साइड से। इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब शाही बिरयानी मसाला डाल रही हूँ।
और नमक स्वाद के अनुसार। ये याद रखिएगा क्योंकि चावल में भी नमक पड़ा है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर छोलों में नमक डालना है। अब उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये जो चार आलू जो मैंने भून के रखे थे वो मैं डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आधा गिलास, जो छोटा गिलास होता है मतलब एक कप समझ लीजिए, एक कप पानी मैंने इसमें डाला, और इसको मैं सीटी आने के लिए, दो सीटी आने के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी गैस पर। तो दो सीटी होने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे, तो आप देख सकते हो छोले हमारे पक चुके हैं 80% तक। तो ये देखिए, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ चना कितना छोला पक चुका है। ये देखिए 80% ये पक चुका है, और बाकी 20% हम चावल के साथ पकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गैस जो है धीमा कर देंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, कुकर को धीमी आंच पे रख देंगे। अब मैं इसमें पहली लेयर डाल रही हूँ, जो हमारी चावल की जो सफ़ेद वाली लेयर है वो डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज जो भुने थे वो, धनिया पत्ता, और थोड़ा मेरे पास पुदीना है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो वो डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर मैंने पहले प्याज डाला, फिर उसके बाद धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और उसके बाद जो मैं पुदीना मैं घर पे ही सुखा के रखा था वो डाल रही हूँ। और मैंने दूध में थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, अब मैं वो डाल रही हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, इसके ऊपर थोड़ा घी हम डालेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली लेयर। अब हम सेकंड, जो दूसरी लेयर है वो हम हरे वाले चावल की करेंगे, तो उसको भी सेम इसी तरीके से करना है जैसे हमने पहला वाला लेयर बनाया। अब हमने ग्रीन चावल डाल दिए, उसके बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे, पुदीना डालेंगे, घी डालेंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे तीसरी लेयर। तीसरी लेयर जो है वो हमारी ऑरेंज वाली है, अब मैंने उसको भी डाल दिया सेम उसी तरीके से, धनिया पत्ता, प्याज वगैरह, दूध, केसर का, वो सारा हम अभी डालेंगे इसमें। और उसके बाद थोड़ा घी डालेंगे। अब जो मेन है, अब हम इसके लास्ट में ऊपर से हम डालेंगे केवड़ा। तो ये मेरे पास केवड़ा एसेंस था वो डाला है। तो अब हम इसको एक सीटी आने तक तेज आंच पे पका लेंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक मैं, बिरयानी हो और रायता ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एक सिंपल वाला रायता मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ मैंने दही को फेंट लिया, उसमें लाल मिर्च और नमक डाला है, और यहाँ पे एक बड़ा प्याज और एक बड़ा टमाटर लेके मैंने ये दही में मिक्स कर दिया, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये रायता। तो यहाँ पर सीटी एक हो चुकी है, गैस ऑफ कर दिया है, तो अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना लग रहा है ना टेस्टी और यम्मी, बहुत, आप ज़रूर बना के देखिएगा गाइस, बहुत ही यम्मी लगता है ये। जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से आप ज़रूर बनाइए। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम होटल जैसी छोले बिरयानी आप घर पर बना सकते हैं गाइस। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको समझ में आई होगी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरीके की रेसिपी लेके मैं फिर से हाजिर होंगी मुनमुन, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।